नमस्ते माई सेल्फ़ डॉक्टर रंजना मंडल मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है माइग्रेन हेडेक जो कि बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में लगभग सौ में से पाँच से दस के बीच में लोगों को माइग्रेन हेडेक होता है स्पेशली फीमेल्स में बहुत कॉमन है ये हेडेक तो आइए हम जानते हैं माइग्रेन हेडेक जो है उसके कॉजेस क्या क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं हम उसे पहचानेंगे कैसे उसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे और उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो सबसे पहले आइए सिम्टम्स सिम्टम्स जो माइग्रेन के हैं वो एक एक साइडेड का हेड एक यूनिट्रल हैड एक एंड दैट मे बी एसोसिएटेड विथ नोजिया वॉमिटिंग एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक भूख नहीं लगना और वीकनेस एसोसिएटेड और कभी कभी आंखों से आंसू आना और जो हेडेक होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट टू टेम्पोरल हेडेक होगा या फिर कभी कभी सीवियर ऑक्सीपिटल हेडेक भी हो सकता है पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल हेडेक तो जो हेडेक है इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स और उसके साथ में हमें इसके साथ में कभी कभी चक्कर आना उल्टी जैसा लगना भूख नहीं लगना पल्स रेट ज़्यादा होना पी, पी या तो कम होना या फिर बढ़ना तो ये भी उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं तो ये उसके सिम्टम्स हो गए अब माइग्रेन के साथ में दो चीज़ें हैं कभी कभी माइग्रेन के पहले और हो सकता है और के सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर माइग्रेन के बाद में भी हो सकते हैं तो कुछ पेशेंट्स में और के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि विजुअल और या ऑडिटरी और तो वो पहले होते हैं और कुछ पेशेंट्स में और के सिम्टम्स माइग्रेन के साथ में होंगे या फिर उसके बाद हो सकते हैं तो माइग्रेन जो है एक से दो घंटे में इसकी इंटेंसिटी जो रहती है हेडेक की ये बढ़ती है अकॉर्डिंगली और कई फीमेल्स जो ऐसी होती हैं उनको आ, जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में तो उसके दो दिन तीन दिन पहले से उन्हें हेडेक और ये ऐसे सिम्टम्स माइग्रेन के वो बढ़ जाते हैं फीमेल्स में माइग्रेन हेडेक होता है जब आ, उनको पीरियड्स आते हैं तो ये हेड उनमें बढ़ जाता है और ड्यूरिंग मैंसेज और आफ्टर मैंसेज जैसे ही ख़त्म होते हैं वो माइग्रेन एडेक अपने आप ठीक होने लगता है उनका तो आ, ये भी एक और के सिम्टम्स में हम इसको बोल सकते हैं सेवेंटी परसेंट पेशेंट्स जो होते हैं माइग्रेन के उसमें हम देखते हैं कि जेनेटिकली रिलेटेड रहता है ब्लड बॉन्ड जैसे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या मदर या फ़ादर को किसी न किसी को हमारे रिलेटिव्स में माइग्रेन हेडेक होगा तो ऑब्वियसली उनके बच्चों में भी होगा तो सेवेंटी परसेंट जो माइग्रेन पेशेंट्स रहते हैं उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री रहती है कि हाँ किसी को उनके घर में भी माइग्रेन हेडेक है और इसके कुछ कुछ ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि फिज़िकल ट्रिगर्स इमोशनल ट्रिगर्स क्लाइमेटिक ट्रिगर्स तो आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि फ़िज़िकल ट्रिगर्स जैसे कि लाउड नॉइस ब्राइट लाइट जैसे कि एकदम से हम लाइट में गए तो उससे आ, हमें हेड एक हो जाएगा माइग्रेन अगर हमें पहले से होगा और हम अगर कहीं लाइट में गए या तेज़ आवाज़ सुनी या कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल हमने लिया किसी परफ्यूम का या कहीं पे गए तो उससे हमारा जो हेडेक है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर किसी को होगा तो और जैसे कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है और शुगर हमारी डाउन है जैसे कि हमने खाना नहीं खाया टायर्डनेस बहुत एक्सरसाइज करके आए हैं हम तो इन सब चीज़ों के बाद भी हमें माइग्रेन हेडेक हमारे प्रसिपलेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी जैसे हम खाना भी अपना मिस कर देते हैं या लेट खाना खाते हैं या फिर डिहाइड्रेशन है तो ये दोनों चीज़ें भी माइग्रेन uh, को प्रसिपलेट कर सकती हैं दूसरी चीज़ चाय कॉफ़ी एल्कोहल ये सब चीज़ें अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा माइग्रेन हेडेक प्रेसिपिटेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं थर्ड इमोशनल इमोशनली जैसे कि हम अगर एनजाइटी या नींद पूरी नहीं होना डिप्रेशन तो ये जो हमारी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती हैं तो दे दे ऑल्सो प्रेसिपिटेट माइग्रेन हेडेक। तो हमें इन सब से भी बचना चाहिए क्लाइमेटिक ट्रिगर्स में एक चीज़ और है जैसे हम कभी टीवी देखते हैं बहुत लंबे समय तक या कोई लाउड नॉइस हम सुन रहे हैं तो उससे भी माइग्रेन हेड एक प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हमें ये चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए बेसिकली घर में महिलाएं टीवी बहुत देखती हैं जो हाउस वाइफ रहती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम दे यूज़ टू स्पेंड देयर टाइम ऑन टीवी टेलीविजन तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वाचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम्स तो वो उससे भी हेडेक प्रिसिपिटेट होता है और चेंजेस इन क्लाइमेट जैसे कि ठंड के मौसम में या ठंड में कभी ऐसे बाहर चले गए एकदम से या गर्मी में तो कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस से भी माइग्रेन के हेडेक प्रिसिपिटेट हो सकते हैं और ड्रग्स जैसे कि ड्रग्स हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और स्लीपिंग पिल्स हैं जैसे कि और कुछ हार्मोनल हम जो भी ड्रग्स लेते हैं तो वो सब अफेक्ट करते हैं जैसे फीमेल्स लेती हैं तो दे ऑल प्रसिपिटेड माइग्रेन हेडेक तो इन सब को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अपनी डेली रूटीन को जैसे हम अपनी रूटीन में हम इसीलिए बोलते हैं कि योगा करना चाहिए प्राणायाम करना चाहिए माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए अपनी लाइफ मॉडिफाई करना चाहिए हमेशा एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करना चाहिए तो दे ऑल प्रिवेंट माइग्रेन तो चलिए ये सब तो ट्रिगर्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया चलिए आते हैं इसके डायग्नोसिस पार्ट पे हम माइग्रेन को डायग्नोस कैसे करेंगे तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ना तो इन्वेस्टिगेशंस या ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं या फिर किसी एम या सी स्कैन से पता कर सकते हैं ये डायग्नोसिस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इसके क्लिनिकल सिम्टम्स से कि पेशेंट आया उसने उसकी हिस्ट्री कैसे दी सिर्फ उसी के बेसिस पे माइग्रेन हम डायग्नोज कर सकते हैं तो आइए चलते हैं कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे तो चार सबसे यूनिक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसकी यूनिलेटरल सीवियर मॉडरेट टू तो सीवियर हेड एक दैट इज़ यूनिलेटरल अलॉन्ग विथ पल्सेटाइल एंड दिस टाइप ऑफ हेड ये पेशेंट को अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी नहीं करने देगा इट प्रिवेंट्स द पेशेंट इवन एग्रीवेटेड बाय लाइट एंड साउंड तो इस तरह का हेड एक जो है इसको हमें पहचानना पड़ेगा इसके टिपिकल सिम्टम्स अगर प्रजेंट हैं अलॉन्ग विथ क्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक नोजिया वॉमिटिंग एंड एक्सपोजर टू लाइट एंड साउंड से अगर ये बढ़ रहा है तो दिस इज़ टिपिकल कि ये माइग्रेन हेड एक है तो चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ट्रीटमेंट अब हमने पहचान तो लिया है कि ये सिम्टम्स में आ, ये माइग्रेन हेड एक है तो अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए तो ट्रीटमेंट में बेसिकली दो तरह से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक और उसका प्रिवेंशन तो एक्यूट अटैक में हम तीन चार तरह के ड्रग्स हैं हमारे पास ट्रिप्टान्स हैं सूमा ट्रिप्टन नोरा ट्रिप्टान्स हैं एंड अर्गोटल्कोलॉइड्स हैं डाईहाइड्रो एर्गोटमीन्स वगैरह हैं तो इसको हम दे सकते हैं एज वेल एज एन हम प्रिस्क्राइब करते हैं लाइक लाइक आई बी प्रोफेन एंड पैरासिटामोल नॉर्मली तो दिज आर uh, द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक उसके बाद आता है उसका प्रिवेंशन तो प्रिवेंशन में भी हम ट्रिप्टान्स यूज़ कर सकते हैं ड्यूटेंस यूज़ कर सकते हैं तीसरी चीज़ आ, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एमी ट्रिप्टिलिन और ट्रिप्टलिन वगैरह तो ट्रीटमेंट पार्ट तो बहुत बड़ा है आ, कभी इसकी दूसरी स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन आज के लिए बस इतना ही आई होप कि ये मेरा छोटा सा माइग्रेन का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक Share and subscribe. Thank you.